मेरा आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के फाजिल मित्रों से आग्रह है कि 31 मार्च तक इंतजार कर लें, सरकार अगर नियुक्तियां नहीं निकालती तब सवाल करें, और अगर वो सवाल करते हैं तो यह भी डाटा लेकर आए, यह भी आंकड़ा लेकर आए कि इन 7 वर्षों में 14 करोड़ नौकरियां कहां हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी विधानमंडल हो, संसद हो, संसद के दोनों सदन हो, एक औपचारिक परंपरा रही है कि सत्र आहूत करने से पहले तब संबंधित तमाम सदस्यों की एक बैठक होती है और पक्ष या विपक्ष आगामी सत्र के दरमियान अपनी रणनीति पर चर्चा करता है। आज उसी कड़ी में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के तमाम विधायकों की एक बैठक हुई और बैठक में आगामी सत्र में जनता से जुड़े हुए जिन मुद्दों को झारखंड के लिए बेहतरी का काम हेमंत बाबू ने किया है, इन मुद्दों को प्रमुखता से रखने का और जनता के जो सवाल झारखंड की सर्वोच्च पंचायत के पटल पर रखे जाने चाहिए और जिनके हल निकलने चाहिए उनके बारे में जिक्र किया गया। भाषा को लेकर जो विवाद है नियोजन नीति में, जो मगही हो, भोजपुरी हो, अंगिका, उसको शामिल करने की बात थी, उस पर कोई चर्चा आज हुई है क्या? नहीं, चर्चा इस विषय पर नहीं हुई है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूर्ववर्ती सरकार में भी भोजपुरी भाषा शामिल नहीं थी। रह गया सवाल, हर नीति हर कानून बनते हैं और उसमें सकारात्मक सुझावों का स्वागत होता है और संशोधन भी होता है। यदि ऐसा प्रतीत होगा कि उस भाषा भाषी के लोग उपेक्षित हो रहे हैं तो सरकार निश्चित रूप से उसका भी संज्ञान लेगी और सुधार करेगी। लैंड बैंक को लेकर के कांग्रेस का विधायक दल का बैठक थोड़ी देर पहले हुई और उसमें यह बोला गया कि लैंड बैंक में जो जमीनें हैं वो उसके मालिकों को दे दिया जाना चाहिए, जबकि मुख्यमंत्री निवेशकों को जब बुलाने गए दिल्ली तो वहाँ पर लैंड बैंक को आधार बना रहे थे कि भाई निवेश आप आइए यहाँ पर हम लोग जमीन देंगे, हमारे पास लैंड बैंक है। कांग्रेस जब इस तरीके का मुद्दा जो है एजेंडा में ला रही है, नहीं इसमें इसमें दो चीज़ें हैं। मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहूँगा, ये समझने की कमी है। ये तथाकथित लैंड बैंक जो है ये रघुवर सरकार के दरमियान बनाया गया था और इस लैंड बैंक में लास्ट जो कैडस्ट्रल सर्वे था झारखंड के हजारीबाग जिले में, तत्कालीन हजारीबाग जिले में 1911 में प्रकाशित हुआ था, अगर आप बात करें संथाल परगना की तो गिंजर सर्वे 1932 में प्रकाशित हुआ था। तो लास्ट कैडस्ट्रल सर्वे में जितनी भी गैर मजरुआ भूमि थी उस भूमि को रघुवर दास जी के तथाकथित बड़े स्वामी भक्त पदाधिकारियों ने लैंड बैंक के तौर पर चिन्हित कर दिया था। आप अगर कुल बोलें तो पूरे झारखंड में 20,55,000 एकड़ जमीन लैंड बैंक के तौर पर चिन्हित है। वह वो लैंड बैंक नहीं है जिस लैंड बैंक में उद्योगों की स्थापना होनी है। उद्योगों की स्थापना होने के लिए बरही के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 1000 एकड़ का एक लैंड बैंक बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जरा सा समझने का फ़र्क है और मेरा यह स्पष्ट मानना है कि रघुवर दास जी के समय में 20,55,000 हेक्टेयर एकड़ भूमि जो लैंड बैंक में डाली गई थी वो झारखंडियों की भूमि है जो झारखंडियों को वापस होगी ही। तो इस बार क्या मुद्दा रहेगा, मतलब विधानसभा में जैसे सरकार क्या पेश? सरकार ने पिछले 20 महीने के कार्यकाल में जितने बेहतर काम किए हैं, झारखंड की जनता के हित के लिए जो बेहतर निर्णय लिए हैं, उन निर्णयों को हम लोग बड़ी मजबूती के साथ रखेंगे और कहीं ना कहीं यह सदन भले इस प्रदेश का सर्वोच्च पंचायत हो लेकिन देश की घटनाओं से अछूता नहीं है। आम जनता पर पड़ रहा महंगाई का बोझ यह भी हमें कहीं व्यथित करता है और संवेदनशील सदन निश्चित रूप से चाहेगा कि झारखंड की जनता जो गैस, डीजल और पेट्रोल और एडेबल ऑयल, खाद्य तेलों के दाम से त्राहिमाम है, एक संदेश विधानसभा से भी निकल कर केंद्र तक जाए कि झारखंड की जनता इस मूल्य वृद्धि के खिलाफ। अच्छा, तो इसमें कुछ सरकार कुछ राहत देगी क्या? महंगाई जो राज्य के विषय है निश्चित रूप से सरकार उस पर विचार करेगी, जो केंद्र के विषय है उस पर केंद्र को संदेश देंगे। और जहाँ तक रह गया मॉब लिंचिंग का जो मसला है, मॉब लिंचिंग के खिलाफ हमारी सरकार है और हमारे 20 महीनों के कार्यकाल में हम लोगों ने इन घटनाओं में अपेक्षाकृत ज़्यादा नियंत्रण करने में कामयाबी पाई है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हम इसको शून्य पर ले जाएंगे। कानून का राज होगा, मोबोक्रेसी नहीं होगी, भीड़तंत्र नहीं होगा, कानून का राज ही झारखंड बिल्कुल कम हुआ है। लेकिन कानून का एक बात आप लोग बोल रहे थे जब विपक्ष में थे, तो क्या मॉब लिंचिंग को लेकर के आप लोग कानून लेकर के आएंगे? विमर्श चल रहा है और जो झारखंड के हित में होगा वो। रोजगार के सवाल पर कैसे जवाब देगी सरकार, क्योंकि आप लोग नियुक्ति वर्ष घोषित करके नौकरी नहीं दे पाए, ऐसा जो बीजेपी मनोज आईडी नीचे की नीति बनाई गई है। देखिए, जहाँ तक रोजगार के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। 2014 के भाषण निकाल कर देख लें, आदरणीय प्रधानमंत्री 2 करोड़ रोजगार और नौकरियों की बात चिल्ला चिल्ला कर कहते फिरते थे। आज 7 वर्ष गुजर गए हैं, 14 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं?
उनके जेब में जब देने को देश की जनता को नहीं है तो मेरे ऊपर उंगली उठाने का उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और जहाँ तक हम झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड की बात करें, नियुक्ति संचालन नियमावली बन चुकी है, यह नियुक्तियों का वर्ष माननीय मुख्यमंत्री ने घोषित किया है। इस नियुक्तियों के वर्ष में हम लोग सितंबर माह में हैं और यह वर्ष समाप्त होगा मार्च में। तो निश्चित रूप से मेरा आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के फाजिल मित्रों से आग्रह है कि 31 मार्च तक इंतजार कर लें। सरकार अगर नियुक्तियां नहीं निकालती तब सवाल करें, और अगर वो सवाल करते हैं तो यह भी डाटा लेकर आएँ, यह भी आंकड़ा लेकर आएँ कि इन 7 वर्षों में 14 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं जो मोदी जी ने चिल्ला चिल्ला कर कही थी। ये विस्थापन आयोग पर भी कुछ चर्चा होनी थी क्या? विस्थापन इस राज्य की बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है, क्योंकि मेरा यह मानना है कि इस पूरे देश में सबसे पहला विस्थापन, औद्योगिक विस्थापन अगर कहीं हुआ तो झारखंड में हुआ। और अगर ये इश्यूज़ अनअटेंडेड हैं तो हमारा दायित्व बनता है, हेमंत बाबू का यह दायित्व बनता है कि इन सवालों का जवाब खोजकर हम लोग दें। विस्थापन आयोग कार्यसूची में है और मुझे लगता है कि जल्द ही कोई निर्णय आएगा। ओबीसी आरक्षण पर भी कोई बातचीत हुई? 27 फीसदी कांग्रेस कह रही है उसको लेकर हाउस में भी निश्चित रूप से, लेकिन सारे मुद्दे हाउस में नहीं आते हैं। ओबीसी आरक्षण हो या तमाम चीज़ें हो, कार्मिक के माध्यम से तैयारियों के विषय हैं, लेकिन ये तुरंत की संभावना कम है। लेकिन ये विषय सूची में राज्य सरकार के है और राज्य सरकार जातीय जनगणना के पक्ष में भी है। यह भी मानती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी के मुद्दे चलें, तो उस आधार पर ओबीसी का आरक्षण अगर कम मिल रहा है तो उसको बढ़ना भी चाहिए। जातीय जनगणना को लेकर क्या विधानसभा से कुछ भेजा जाएगा सेंट्रल? हम लोग प्रयास करेंगे कि एकमत होकर मुख्यमंत्री प्रश्न, एक मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में यह प्रश्न आएगा और हम लोग यह प्रयास करेंगे कि ये सदन, झारखंड विधानसभा का सदन संसद को अपनी भावना से अवगत कराए। ठीक है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in